नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। मेरे शो इनसाइड विद अनुराग चड्ढा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, उस टॉपिक का नाम है मोदी और कैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जलजला कटा। तो आइए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में। देखिए, जो रूस का कजान शहर था, पिछले काफ़ी दिनों से दुनिया की कूटनीति का बड़ा केंद्र बना हुआ था। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में 35 से ज़्यादा देशों के बड़े नेता, इनमें से 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने हिस्सा लेकर पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया। वो संदेश ये था कि पश्चिम से अलग एक नई शक्ति बन रहा है ब्रिक्स। इस सम्मेलन में दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच संबंध कैसे आगे बढ़ते हैं और ये लोग क्या कुछ बड़ा निर्णय लेते हैं, क्या निकलकर सामने आता है इनकी बातचीत से। कुल मिलाकर भारत ने इस सम्मेलन में अपनी रणनीतिक कौशल से दुनिया के कई देशों को आश्चर्यचकित कर दिया। पुतिन और जिनपिंग दोनों के साथ गर्मजोशी से भरी मुलाकात ने अमेरिका सहित कई देशों को थोड़ा सा परेशान जरूर कर दिया। अब जानने की कोशिश करते हैं कि भारत चीन पर जो तनातनी चल रही है, ब्रिक्स सम्मेलन में आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिससे लगता है कि फ्यूचर में जो वहाँ बर्फ जमी हुई है वो पिघलने की पूरी उम्मीद है या बर्फ पिघल जाएगी। रूस के कजान शहर में जो हुआ वो पिछले 5 सालों में नहीं हो पाया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बातचीत, 5 साल बाद दोनों नेताओं के बीच में करीब 50 मिनट तक बातचीत हुई। आखिरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति के साथ औपचारिक बैठक अक्टूबर 2019 में तमिलनाडु के ऐतिहासिक शहर यानी कि महाबलीपुरम में की थी और अब कजान में दोनों देशों के मुखिया मिले हैं। दोनों नेताओं ने सीमा विवाद को जल्द से जल्द निपटाने के लिए आपसी सहयोग, आपसी विश्वास पर जोर दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो चीन के राष्ट्रपति थे, दोनों के बीच में जो बातचीत हुई, कुल मिलाकर उसका मसौदा यह निकला कि विवाद बिल्कुल दूर होने चाहिए, मतभेद पूरी तरह से दूर रहने चाहिए, मतभेदों से हमारा नाता नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी सूरत में शांति भंग नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी का ये इशारा था कि चीन जो बार बार सीमा पर डिस्टर्ब करता है, वो डिस्टर्बेंस उनको नहीं चाहिए। मोदी ने कहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता दोनों बनाए रखना हम दोनों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता हमारे संबंधों की नींव बनी रहनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि खुले मन से हम लोग बात करेंगे और जो हमारी चर्चा होगी वो पूरी तरह से कंस्ट्रक्टिव होगी। इसके अलावा जो राष्ट्रपति चीन के थे, शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों के बीच में मतभेद को बिल्कुल हमें रखना ही नहीं चाहिए। संभालने की बात तो आप छोड़ दीजिए, हमें अपने विकास को साकार करने के लिए, कम्युनिकेशन और सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए अपने वादों को और दावों को मजबूत करना होगा। भारत और चीन के जो संबंध हैं वो बिल्कुल स्थिर रहने चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो पीएम मोदी ने बोला, बस लगभग वही जुबान चीन के राष्ट्रपति बोल रहे थे। चीन के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि जो दोनों देश हैं वो अपने विकास के लक्ष्यों को, तथ्यों को पूरा कर सके, ये इस मुलाकात का पूरा एक मसौदा होना चाहिए। दोनों देशों ने आपसी संपर्क, सहयोग बढ़ाने के लिए जो असहमति थी, मतभेद थे, उनको पूरी तरह से आप भुला दीजिए। देखिए, खुलकर ऐसी बातें हो रही थी, कोई यकीन नहीं कर सकता। दोनों नेताओं ने प्रगति के मामले में एक दूसरे को सहयोग करने की सिफारिश भी की। इसके अलावा दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों में कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कही। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ब्रिक्स महासम्मेलन में ऐसा क्या हुआ कि चीन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से बातें मिला रहा था, पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। ये वो चीन नहीं है जिस चीन को हम जानते थे, जो बार बार कहता था कि भाई हिंदी चीनी भाई भाई और हमें धोखा देता था, हमारे साथ बातचीत की टेबल पर आता था और उसके बाद हमें ही वो नुकसान देकर चला जाता था। तो दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर 5 ऐसे वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से चीन ने सरेंडर किया। तो सवाल ये है कि चीन को 5 अगस्त के बाद भारत से रिश्ते सुधारने की बात क्यों याद आई? अगर चीन के नरम पड़ने के पीछे 5 कारणों को देखें तो उसमें पहला जो कारण है वो कारण है कि जो उसकी विकास दर है वो बहुत धीमी पड़ रही है। दूसरा कारण है डोनाल्ड ट्रंप के उस वादे का डर, जिसमें चीन के माल पर 60% टैरिफ टैक्स लगाने की बात उन्होंने कही है। तीसरा, जो राष्ट्रपति अगर ट्रंप बनते हैं अमेरिका के, तो उनके फैसले से चीन में पहले से ही बेरोजगारी बढ़ी हुई थी और अब वो बेकाबू हो गई है। चौथा, जो चीन के राष्ट्रपति की
तमाम कोशिशें थी कि डॉलर के मुकाबले जो उनकी मुद्रा है यानी कि युआन, उसको दुनिया स्वीकार ले, लेकिन दुनिया ने नहीं स्वीकारा है इसको। और पांचवा कारण यह है कि दक्षिणी चीन सागर में रोज़ाना पड़ोसियों से होने वाली झड़प से उसके रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। ये वो पांच वजह है कि जिसने चीन को भारत के सामने बातचीत करने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा LAC से जो सेना को पीछे हटने का आदेश भी इसको देना पड़ा। तो आप समझिए कि ये भारत की कूटनीति की ही विजय है कि जिसकी वजह से चीन भारत के सामने टेबल पर बैठा। एक और बात ब्रिक्स सम्मेलन में हुई कि जो भारत और चीन में पेट्रोलिंग होगी उस पर कैसे समझौता हुआ। अब हम जाते हैं भारत के जो विदेश सचिव है विक्रम मिस्त्री। 21 अक्टूबर को उन्होंने बताया था कि भारत और चीन के बीच में जो पूर्वी लद्दाख में LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर सहमति बन गई है। इससे पहले मई 2020 में जो स्थिति बनी थी वो स्थिति वापस आ जाएगी। अब आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल है कि सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के जो विशेष प्रतिनिधि हैं जल्द ही बैठक करेंगे। इसमें भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन की तरफ से विदेश मंत्री वांग यी शामिल होंगे। हालांकि चीन LAC पर शांति बहाले के लिए भारत से बात तो कर रहा है, लेकिन ये दोस्तों वही चीन है कि जिसकी फितरत में सुधरना है ही नहीं, इसलिए भारत को भी सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। चीन बार बार लगातार चालाकी दिखाता रहा है, लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होगा कि जो भारत की चतुराई है उसके आगे हमेशा चीन को मुंह की खानी पड़ी है। एक बार फिर चीन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, ये बताता है कि चीन को मालूम है कि भारत के साथ संबंधों को खराब रखना खुद उसके हित में नहीं है। आइए अब फिर से बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। जो ब्रिक्स का प्लेनरी सेशन था उसमें मोदी ने क्या किया। दोस्तों, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के प्लेनरी सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कई मुद्दों पर चर्चा की। मोदी ने कहा कि नए स्वरूप में ब्रिक्स 30 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा की इकोनॉमी है, यह सभी चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। मौजूदा वक्त में दुनिया युद्ध, आर्थिक संकट, क्लाइमेट चेंज और आतंकवाद जैसे चुनौतियों से जूझ रही है। तकनीक के इस दौर में साइबर सिक्योरिटी, डीप फेक जैसे अलग चुनौतियाँ हैं। ऐसी स्थिति में ब्रिक्स को लेकर कई उम्मीदें हैं। मोदी ने कहा कि UPI पेमेंट्स में भारत एक बड़ी उपलब्धि के रूप में सामने आ रहा है और यहाँ पर जो लगातार UPI पेमेंट्स बढ़ रही है वो भारत की बड़ी उपलब्धि है। भारत ब्रिक्स देशों के साथ UPI सिस्टम शेयर करने के लिए तैयार है। दूसरे देशों ने भी इसे अपनाया है। उन्होंने मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़ने के लिए ब्रिक्स देशों को न्योता भी दिया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ब्रिक्स के सभी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भारत में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ाने के लिए भारत ने गतिशील पोर्टल बनाया है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए इंटीग्रेटेड प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में मदद मिलती है और लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत कम हुई है। एक बात तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी से अगर याराना कर लें तो उसको बहुत निभाते हैं। ठीक, आजकल नरेंद्र मोदी और पुतिन का जो याराना है वो लगातार उसके चर्चे हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जब पुतिन और मोदी मिले तो ऐसा लगा कि दो बेहद खास दोस्त एक दूसरे से मिल रहे हैं। पुतिन ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि मोदी जी से उनका संबंध इतना गहरा है, इतना आत्मीयता का नाता है कि उनकी बात को समझने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री को किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है। दोनों देशों के बीच में कई मुद्दों पर बातचीत हुई। PM मोदी ने बेबाक अंदाज में पुतिन के सामने एक बार फिर रूस यूक्रेन युद्ध का न सिर्फ जिक्र किया बल्कि शांति की अपील भी की। मोदी ने कहा कि शांति के लिए जो भी भूमिका होगी उसे भारत पूरा करने के लिए तैयार होगा। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दोनों देशों के बीच चल रही परियोजनाओं की चर्चा भी की। इसके अलावा कजान में भारत का वाणिज्य दूतावास खोलने का स्वागत भी किया। दोनों देशों की दोस्ती की गहराई पुतिन की इस बात से पता चलती है कि उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के अंदर भारत रूस के सहयोग को हम बहुत अहमियत देते हैं क्योंकि हम दोनों ही देश इसके संस्थापक सदस्य हैं। हमारे बीच जनप्रतिनिधियों, हमारे विदेश मंत्रियों ने लगातार संपर्क बनाए रखा है और व्यापार में भी सकारात्मक वृद्धि हो रही है। पुतिन ने जोर देकर कहा कि भारत और रूस के बीच रिश्ते तेजी से विकसित हुए हैं और दोनों देशों के बीच में और दोनों देश इन रिश्तों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। भारत और रूस की दोस्ती और मजबूत और पक्की हुई है। भारत और रूस के बीच करीबी को इस बात से समझा जा सकता है कि पिछले एक दशक में PM मोदी का यह सातवां और पिछले 3 महीनों में प्रधानमंत्री दूसरी बार रूस पहुंचे हैं। इससे पहले वह जुलाई में रूस गए थे। उन्होंने पुतिन को सलाह दी थी कि बम, बंदूक और गोलियों से शांति संभव नहीं है,
इसके तुरंत बाद यूक्रेन के दौरे पर वो पहुंच गए थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से कहा था कि उन्होंने पुतिन से कहा है कि ये जंग का समय नहीं है। दुनिया के किसी नेता ने शायद मॉस्को में पुतिन से मुलाकात के बाद तुरंत यूक्रेन जाकर जेलेंस्की से मुलाकात की हो। रूस अब एशिया की ओर तेजी से रुख कर रहा है, चीन पर उसकी निर्भरता बढ़ रही है, लेकिन भारत की कीमत पर वह चीन के साथ नहीं जाना चाहता। दोस्ती की एक और मिसाल पाकिस्तान से रूस की दूरी है। पुतिन कई बार भारत आ चुके हैं, लेकिन आज तक वो पाकिस्तान नहीं गए, क्योंकि सभी को मालूम है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। ईंधन और ऊर्जा के क्षेत्र में रूस आज भारत का सबसे भरोसेमंद साथी बन चुका है। भारत के लिए रूस से दोस्ती चीन और अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के साथ संतुलन बनाने के काम आती है। भारत रूस चीन की मजबूत तिकड़ी सब पर क्या भारी पड़ेगी, लेकिन ये डिपेंड करता है चीन की नीयत के ऊपर। रूस में रहते हुए भारत और चीन पास पास आते नजर आएंगे, ऐसे में इन तीनों की संभावित तैयारी दुनिया की नज़रों में रहेगी, वही दुनिया जो खुद को पावर सेंटर कहती है। तीनों देशों के पास आने से दुनिया का पावर सेंटर पश्चिम में शिफ्ट होकर एशिया में आना तय है। दुनिया की 36% आबादी वाले इन तीनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मिलाकर देखा जाए तो दुनिया की GDP कुल 26% बनता है। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक चीन $19.3 ट्रिलियन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत $3.73 ट्रिलियन के साथ दुनिया की टॉप 5 में शामिल इकोनॉमी है। इसी तरह रूस की GDP $1.88 ट्रिलियन की है। रूस की इकोनॉमी बेशक तीनों में सबसे छोटी है, मगर प्राकृतिक तेल जैसे संसाधनों के भंडार के चलते वह काफ़ी पावरफुल स्थिति में है। यदि तीनों एक साथ आते हैं तो 2.1 बिलियन लोगों का एक बाज़ार होगा। उस बाज़ार की ज़रूरतें पूरा करने में बिजनेस के भी खूब पनपने की संभावनाएं होंगी। चीन की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, रूस के प्राकृतिक संसाधन और भारत की बढ़ती औद्योगिक क्षमता के साथ ये एक देश का पावरफुल ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की क्षमता रखते हैं। तीनों की सैन्य शक्ति नाटो को भी टक्कर देने का दमखम रखती है। युद्ध के माहौल में मिले मोदी और ईरान के राष्ट्रपति ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अलग मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद से मुलाकात की। राष्ट्रपति बनने के बाद नरेंद्र मोदी की ये पहली मुलाकात है। मसूद की भारतीय PM से ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब ईरान का इसराइल से काफ़ी तनाव बढ़ा हुआ है और पश्चिम एशिया में युद्ध जैसे हालात हैं। पश्चिम एशिया में बड़े तनाव से इसराइल और ईरान ने भारत से शांति लाने में सहयोग की उम्मीद की है और प्रार्थना भी की है, या यूं कहें कि भारत से विनती की है। दोनों देशों के इस तरह से बयान हालिया समय में आए हैं, ऐसे में इस बैठक पर दुनिया की नज़र लगी थी। PM मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात के समय दो मुद्दों पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जो भारत के लिहाज से काफ़ी अहम हैं। उन्होंने चाबहार पोर्ट के निर्माण में तेजी लाने और अंतर्राष्ट्रीय साउथ कॉरिडोर विकसित करने पर जोर दिया। भारत और ईरान करीब 10 साल से चाबहार पोर्ट के निर्माण पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा PM मोदी ने अफगानिस्तान के दोबारा विकास पर भी जोर दिया, साथ ही सेंट्रल एशिया के आर्थिक गठजोड़ बनाने को भी उन्होंने बातचीत की। अब आपको दोस्तों ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर क्यों ज़रूरी है चाबहार पोर्ट। यह पोर्ट भारत के लिए व्यापारिक लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इस पोर्ट के बन जाने से भारत के लिए पश्चिमी एशिया तक व्यापार करना काफ़ी आसान हो जाएगा। भारत ने पिछले मई महीने में 10 साल के इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था। चाबहार पोर्ट का निर्माण भारत, अफगानिस्तान और ईरान मिलकर कर रहे हैं। यह ओमान की खाड़ी में बनाया जा रहा है और इसके तैयार होने के बाद भारत सीधे अफगानिस्तान के रास्ते पश्चिम और मध्य एशिया के साथ व्यापार कर सकेगा। अभी उसे अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान से गुजरना पड़ता है। जाहिर है कि इस पोर्ट के बनने के बाद पाकिस्तान के रास्ते जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, जिसे लेकर पाकिस्तान अक्सर अकड़ दिखाता रहता है। यह पोर्ट अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के बीच रोड का रेल प्रोजेक्ट के जरिए सामान पहुँचा सकेगा, जिससे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी कहा जा रहा है। जाहिर है कि इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को मिर्ची लगना पूरी तरह से तय है। इस रूट की मदद से भारत समुंदर, रेल और रोड के जरिए तमाम बॉर्डर को पार करते हुए ईरान के रास्ते सीधे रूस तक अपना सामान पहुंचा सकेगा और या यूं कहें कि ट्रांसपोर्ट कर सकेगा। यह रूट स्वेज नहर से गुजरने वाली मौजूदा रास्ते का विकल्प भी होगा। इसके जरिए हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के जरिए कैस्पियन सागर से जोड़ा जा सकेगा। रूस फेडरेशन के रास्ते उत्तरी यूरोप तक जाने का रास्ता मिलेगा। दोस्तों, ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर मेरा यह छोटा सा विश्लेषण आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना
नहीं भूलिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ।